ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। अक्सर आपने यह बात अपने से जुड़ी हुई आपने देखी होगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। वो तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ना कभी किसी व्यक्ति के बारे में अहित चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ जीवन में बुरा क्यों होता है। और हमारे आसपास जो बुरे लोग होते हैं, ईश्वर उनका सब अच्छा करते जाता है। हमें कभी कभी शक होता है कि हमारी अच्छाई पर शक होता है, कभी यह भी शक होता है कि ईश्वर क्या कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, जो लोग बुरा काम कर रहे हैं, उनके साथ सब चीज़ें बेहतर हो रही है और हमारे साथ चीज़ें खराब हो रही है। तो आप आज इस वीडियो में बहुत ही विस्तारपूर्वक जान लें कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और अगर आपके साथ बार बार बुरा हो रहा है तो आपको कौन सी गलतियाँ ग्रहों के अकॉर्डिंग नहीं करना है, जिस विषय को लेकर आपको समझना होगा। आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है। यह वीडियो पूरा देखकर आप अपनी मदद कर सकते हैं। यह वीडियो का मकसद ही आपकी मदद करना है। इसे पूरा देखकर आप अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं इस विषय को लेकर। तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं कि अच्छा लगा, बुरा लगा हो तो बुरा बताएं। सबसे पहली बात समझ लें कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो पूरी दुनिया को वो एक अच्छे नज़रिए से देखता है, क्योंकि वो अपना लाभ, हानि, स्वार्थ, ये तमाम चीज़ें उसके लिए सेकंड प्राथमिकता रहती है। पहली प्राथमिकता उसकी अच्छाई, लोगों की मदद करना है, जो उससे हो पाए, अच्छा हो पाए, वो लोगों के लिए करना है। खुद को छोड़कर वो खुद का भला नहीं सोचेगा, पहले दूसरों का भला सोचेगा, फिर वो कहीं अंत में, आखिर में जाकर हमारा खुद का भला सोचने की सोचेगा। जो स्वार्थ है उसकी बहुत कमी उसमें रहेगी, और जहाँ स्वार्थ की कमी होती है वहाँ पर कई सारी चीज़ें डेडिकेटेड हमने दूसरों के लिए करके रखी है। ऐसा भाव जब भी किसी जातक के मन में उत्पन्न होता है तो डेफिनेटली उसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत सॉफ्ट है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा दयावान, और दया करना सबसे बड़ा नशा है। जो लोग नशा करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में कूट कूट कर दया भरी है, वो कभी भी कुछ भी हो जाए दया करना नहीं छोड़ सकता। दया करने के बाद उसे बहुत सी परेशानियां हुई है, बहुत बार उसको परेशानियां झेलना पड़ी, लेकिन फिर भी वो दया करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कई बार इसकी दया का मिसयूज़ भी हुआ है, पर फिर भी वो नहीं छोड़ेगा। ये एक अच्छा स्वभाव है डेफिनेटली, लेकिन कुछ अनुभव को आपको समझना चाहिए कि कब कैसे मदद के कुछ पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर को ज़रूर फॉलो करें। कई बार मदद की आड़ में कोई लोग हमारा मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। मदद बार बार नहीं मांगी जाती, मदद बार बार नहीं की जाती है। मदद को बहुत डीपली आप खुद समझें, तब जाके आप समझेंगे, और आत्म अनुभव से समझें, दूसरे लोगों पर न जाकर बात करें। तीसरा मूल पॉइंट है कि एक जो अच्छा व्यक्ति का सिनेरियो होता है वो बहुत ज़्यादा आत्म अनुशासित होता है। उसके मन में हमेशा हर पल एक ही बात चलती रहती है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैंने किसी व्यक्ति को गलत बात तो नहीं कह दी, या मेरी वजह से किसी का नुकसान तो नहीं हो गया। और अगर हो गया, उन्हें ऐसा लगता है मन में, वास्तविकता में नहीं होता है, पर कभी हो गया तो वो खुद को जिम्मेदार मान के उसकी भरपाई करना चाहेंगे। तो ये जितने सारे भाव उत्पन्न होते हैं या बृहस्पति की वजह से उत्पन्न होते हैं, और बृहस्पति की बहुत ज़्यादा बृहस्पति व्यक्ति को सरल, सहज, बहुत ज़्यादा न्यायिक बना देता है, बहुत ज़्यादा हम्बल बना देता है। और ये हम्बलनेस, ये न्यायिक होना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो व्यक्ति शिक्षित हो, अशिक्षित हो, लेकिन बृहस्पति का ये मूल स्वभाव है। और अगर ये स्वभाव में आपके साथ चीज़ें मिल रही है तो डेफिनेटली आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। आप अपने पावर को, अपनी एनर्जी को एक सकारात्मक कार्य में जो कर रहे हैं उसमें डेडिकेट करें। ओम नमः शिवाय।